कथा सात, श्री राम गुण दर्शन। आदर्श शरण दाता शरण वत्सल। विभीषणे रावण ने सीता ने मुक्त करीने श्री राम पासे पाछा मोकलवानो आग्रह पूर्वक समझावानो प्रयास कर्यो। अनेक दलीलो करी, धर्मनीति ना दाखला आप्या, पण पोतानी शक्ति ना मदमा मस्त एवा रावणे उल्टू एनु अपमान कर्यो। इंद्रजीत जेवा नानी वैनाए पण अत्यंत हीन शब्दों वापरीने एमनी टीका करी। रावणना बद्धा मंत्रीगणो पण एना पर तूटी पड्या, एने कुळद्रोही देशद्रोही कहीने गाळो आपवा लाग्या। अंते रावणे विभीषण ने राज दरबार माथी हड़सेली दीधो। आवी परिस्थिति मा लंका मा रहेवू अशक्य लागवा लाग्यू। एने हनुमान साथेनी मुलाकात समये थयेला संभाषणनु स्मरण थयू। शरणागत आवेला ने श्री राम केटली मायाथी अने विश्वासथी नजीक ले छे ते एने याद आव्यू। पोताना मित्रों साथे विचार विनिमय करीने एने श्री राम पासे जवानो निश्चय कर्यो। संगाथे एने फक्त अत्यंत विश्वासु एवा चार मित्रों ने लीधा। आकाश मार्गे ज्यां सेतु बंधननु कार्य चालतु हतु त्यां ते पहुंच्यो। आकाशमां स्थिर थईने एने सुग्रीवने हाक मारी, हूँ लंकाधिपति रावणनो नानो भाई पुलस्त्य ऋषिनो पुत्र विभीषण, अन्यायी अने अधर्मी एवा मारा भाई अने मारा सर्व आप्तजनोनो संपत्तिनो अने सत्तानो राज्यनो त्याग करीने धर्म रक्षणना कार्यमां सहभागी थवा माटे श्री रामना शरणे आव्यो छूं। मने श्री राम पासे लई जाओ। अने एमज आकाशमां एने रहेवा दईने सुग्रीव श्री राम पासे झड़पथी दौड़्यो। राक्षसोनी राक्षस वृत्तिनो वर्णन करीने विभीषणने सहारो ना आपवानी सलाह ते आपवा लाग्यो। बीजा वानरो सुद्धा रावणना खुदना भाई ने नजीक राखवाना संपूर्ण विरोधमा हता, परंतु प्रत्यक्ष लंकामा जईने विभीषण साथे स्वयं संभाषण करी आवेल हनुमाने मात्र विभीषणनी सच्चाईनी सात्विकपणानी साबिती आपी, तेने आशरो आपवानी भलामण करी। बधानी वात सांभळीने श्री रामे कह्युं, मित्रतानी भावना साथे आवेल विभीषणने हूँ दूर करी शकीश नहीं। एनामां भले कोई दोष होय पण ए कारणे एनो अंगीकार न करवानी मारा अंतरमां ओतप्रोत थयेली सज्जनता मने परवानगी आपती नथी। छतां सुग्रीवने समाधान थतुं ना जणाता अने वारंवार विभीषणने दूर राखवानो आग्रह करवा लागता श्री रामे अत्यंत शांत छतां दृढ़पणे कह्युं, वानर श्रेष्ठ सुग्रीव, हूँ जो धारूं तो आ पृथ्वी परना दरेक दानव पिशाच यक्ष राक्षसनो केवल मारा नख वडे ज एक क्षणमां नाश करी शकूं तेम छूं। मने मारा सामर्थ्य पर पूर्ण विश्वास छे, एटले जो कोई हाथ जोड़ी पूर्ण श्रद्धाथी दीन भावथी मारे शरणे आवे तो तेने आश्रय नकारवानो मने मारो धर्म अधिकार आपतो नथी। पछी ते रावण बंधु होय के स्वयं रावण, जा विभीषणने लई आव। आवता वेत ज विभीषण श्री रामना चरणोमां ढळी पड्यो। एने अभय आपी श्री रामे एने छाती सरसो चांप्यो। समुद्र जळथी लक्ष्मणना हस्ते अभिषेक करावी विभीषणने लंकापति घोषित कर्यो। विभीषणे पण युद्धमां श्री रामने अणमोल सहाय करी। रावण वध बाद श्री रामे लंकानुं पूरुं राज्य विभीषणने सौंप्यू। कथा सार, पोताना सामर्थ्य पर विश्वास होवो जोईए अने ए विश्वासने आधारे जे साच्चा मनथी अने मित्रभावथी शरणे आवे एनो अंगीकार करी यथाशक्ति सहायनो हाथ लंबावो जोईए अने एकवार मददनो शब्द आप्या पछी सर्वशक्ति दाव पर लगाड़ीने पण तेने मदद करवी घटे। पोतानो कोई पण स्वार्थ ना राख्या ना विचार्या विना जेम श्री रामे सोनानी लंका जीती पण साथे लई गया केवल जानकीने, पोतानी ज जानकीने।